दोस्तों स्वागत है आपका आईटीआई तोमर टेक्नो में। दोस्तों इसरो एलपीएससी की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक कुछ खबरें निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, इसरो एलपीएससी की तरफ से यहां पर जो मई में जो रिक्वायरमेंट आया था, मई 2023 में जो रिक्वायरमेंट आया था, उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इसरो की तरफ से आउट कर दिया गया है। एंड आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपके यहाँ पर 17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे, मैं इसरो एलपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर देखने को मिल जाता है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी का आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। सभी ट्रेडों का एडमिट कार्ड जो है आपका रिलीज कर दिया गया है। आपका जो पेपर होने वाला है वो आपके यहाँ पर OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपके यहाँ पर क्लिक किया टू व्यू डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एंड आपके यहाँ पर ट्रेड को शो किया जाएगा एंड उस ट्रेड के आगे आपका जो एडमिट कार्ड का जो डाउनलोड लिंक है वह दिया गया है, और आपका जो सिलेबस है वह भी दिया गया है, एग्जाम डेट भी दिया गया है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्लिक किया टू एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, सिंपली आपको अपना यहाँ पर जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, जो कि आपका 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहने वाला है। एंड आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यदि डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं करना है तो आप अपना पिन कोड को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वह फिलअप करना है, और उसके बाद आपके यहाँ पर कैप्चर को फिलअप कर देना है और सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या पिन कोड में से किसी एक को यहाँ पर फिलअप करना है, देन आपको लॉगिन कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर सारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सभी कुछ फिलअप कर दिया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका नाम और रोल नंबर शो करता है, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्लिक केयर टू व्यू एंड डाउनलोड रिटर्न टेस्ट कॉल लेटर। एंड आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है क्लिक केयर टू व्यू एंड डाउनलोड इंस्ट्रक्शन एंड एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आपको दोनों ही यहाँ पर एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और एडमिट कार्ड भी आपका सबसे महत्वपूर्ण है। सिंपली एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक किया टू एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। एग्ज़ाम डेट जो रखा गया है वो 17 सितंबर आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 10 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर जो उसका एग्ज़ाम सेंटर का जो यहाँ पर एड्रेस है वो भी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है सेंट मैरी हाई सेकेंडरी स्कूल पट्टम तिरुवनंतपुरम केरला में यह आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों हम इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया गया है इस ब्लॉक में दिया गया है कि उन्हीं कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड रिक्वायर किए जाएंगे, जिनका जो डेटा है वो प्रॉपरली ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपका यहाँ पर रेयर डेटा होना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पर हायर किया जाएगा। अदरवाइज जिन कैंडिडेट का यहाँ पर थोड़ा सा भी डिटेल इधर उधर हुआ है, उनका जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, एंड और किसी भी एक आपको यहाँ पर वैलिड फ़ोटो आईडी को अपने साथ यहाँ पर लेकर जाना है। और यहाँ पर एक और जानकारी एलपीएससी की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली आप यहाँ पर विजिट करें, और 10/9/2023 तक कुछ भी यहाँ पर आपको अपडेट या इशू देखने को मिल जाता है, तो आपको हमारे
हमारी जो वेबसाइट है उसको रीडआउट करना है, यह प्रॉपरली आपको यहाँ पर दिया गया है। इंट्रक्शन एंड गाइडलाइन में कुछ भी चेंजेस आपका यहाँ पर हो सकता है, तो आपको यहाँ पर 10/9/2023 तक एलपीएससी की वेबसाइट पर रेगुलर आपको यहाँ पर चेकआउट करते रहना है। यहाँ पर कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ओनली वन ओएमआर बेस आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट शुड बी रीड द केयरफुली ऑफ इंट्रक्शन एंड ओएमआर शीट। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ओएमआर बेस होने वाला है। नेक्स्ट आता है सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको टोटल समय जाएगा 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन यानी 80 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो 0.33 आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जरूर शेयर करना जिनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।